अली 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 नहीं बट मैं क्या कहूँ मास्टर जी मेरे बचपन का बहुत बहुत बड़ा पार्ट रहे हैं बचपन से जानता हूँ उनको मैं एंड मैं उनके सामने ही बड़ा हुआ तो थोड़ा इमोशनल हूँ यहाँ स्टेज पे उनके साथ खड़े रहकर एंड जो भी मास्टर जी करते हैं दिल से करते हैं श्रद्धा से करते हैं और मतलब दुनिया में मतलब ये बप्पा के बहुत बड़े भक्त हैं मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैंने भी इनके साथ बप्पा का गाना किया है जहाँ उन्होंने सबके जूते निकाल दिए थे हम लोग ने 6 दिन के लिए गाना किया था सेट वेज था हम लोग ने जूते निकाल के नाचा था और ये पहला कंडीशन था मास्टर जी का जब गाना करके उन्होंने बोला था क्योंकि ये एक ऑनेस्ट भक्त है एंड आई थिंक बप्पा आपको डेफिनेटली फल देगा आप सबको फल देगा आई एम श्योर मला खूप छान लगा बस यही रिहर्स करके आई हूँ मैं बट एक्चुअली मैं बोलूँ तो जैसे कि एक्चुअली सुखविंदर जी ने अभी कहा कि मास्टर जी डेफिनेटली मास्टर ही है मास्टर ऑफ एक्सप्रेशंस मास्टर ऑफ डांस मास्टर ऑफ हार्ट मैं तो अभी अभी हम मैं कहूँगी हमारी ये शुरुआत है हमारे रिलेशनशिप का वरुण तो बचपन से जानते हैं उन्हें मैंने हाँ मैं बचपन में ही हूँ सही बात है वाह वरुण सो स्मार्ट थैंक यू पर जब भी मैंने मास्टर जी के साथ गाना किया है वो हमारी पिछली फिल्म में था बदीना की दुल्हनिया में आई जस्ट लुक एट इट एज वन मोमेंट एंड अपॉर्चुनिटी के मैं सब उनसे खींच लूँ और चली जाऊँ घर घर पे एक्सप्रेशंस डांस एवरीथिंग तो थैंक यू मास्टर जी आपने मुझे यहाँ बुलाया आपका गाना लॉन्च करने क्या सुपर गाना था गाइज I do feel ये गणेश चतुर्थी में ये गाना बजेगा और वरुण का गाना बजेगा जो भी आने वाला नहीं जो दूसरे लोग होते हैं जब गाना कोरियोग्राफ करते हैं लोग काफी बार इधर से गाना कोरियोग्राफ करते हैं मास्टर जी यहाँ से कोरियोग्राफ करते हैं बिल्कुल दिल लगा के इसलिए हर स्टेप में आप वो शक्ति वो भक्ति देख सकते हो जब स्वप्निल भी कर रहा था जब आप भी डांस करते आई कुड सी दैट यू नो सबका जो ध्यान था वो सिर्फ बप्पा के लिए था ऐसा नहीं कि कोई प्रमोशनल गाना कर रहे ऐसा ये कुछ मतलब दिखावा के लिए नहीं कर रहे थे लोग यू कुड सी कि हर एक डांसर वहां पे हर एक एक्सप्रेशन जो है सबका मतलब वो सिर्फ बप्पा के लिए कर रहे हैं एंड आई थिंक आज का दिन जो है इट्स अ वेरी होली डे फॉर अस तो पहले तो सबको ईद मुबारक आप सबको घर पे ईद मुबारक यहाँ पे बैठे हो मैं मास्टर जी के जो असिस्टेंट है जो मेरे भी बहुत क्लोज है संजीव एंड राहुल उन्होंने ये गाना कोरियोग्राफ किया प्लीज वो भी स्टेज पे पहले आ जाए एक्चुअली आप क्योंकि जैसे मास्टर जी ने कहा कि इन्होंने कोरियोग्राफ किया है तो इनको कुछ कहना चाहिए डेफिनेटली है फिर आप लोग प्लीज सेंटर में आइए दोनों जी जी बस क्या मैं एक बात कहना चाहती हूँ संजीव एक्चुअली इज द सोल रीजन अगर आपने गाने में मेरे बाल उड़ते हुए देखे ना इट ऑल बिकॉज़ ऑफ हिम